विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में मैं उर्मिला सालूत्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम छठी कक्षा का सेकंड लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है बचपन। आज इसकी लेखिका है कृष्णा सोपती। बचपन यानी हम जब छोटे होते हैं तब का हमारा लाइफ। जब हम छोटे होते हैं तब हमें ऐसे लगता है कि हम कब बड़े बनेंगे, कब बड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम बचपन की यादें हम याद करने लगते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम किसी ना किसी को तो हमारी यह बचपन की यादें शेयर करें। आज लेखिका कृष्णा सोपती जी ने उनके बचपन की कुछ यादें हम लोगों से शेयर की। लेखिका कृष्णा सोपती दादी या नानी की उम्र की है। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वह अपने आप को बहुत बड़ा यानी कि सयाना महसूस करती है, क्योंकि उनका जन्म पिछले शताब्दी में हुआ था। उनके बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती है कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफी बदलाव आया हुआ है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, अब हल्के रंग के। उन्होंने अपने बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया है, जिनमें फ्रिल लगे होते थे। वह बालों में रिबन बांधती थी। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे, क्योंकि नौकरानी को देने के लिए उनके घर में मनाही थी। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई भी लगाना होता था। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जिसकी बंदों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती है कि तब रेडियो, टेलीविजन या ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। तब की कुल्फी, आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा, पैटीज और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मजा लेती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट अभी भी याद है। चना जो गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है। छुटपन में शिमला रीफ पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मजा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाकू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रीज की रौनक और मॉल के दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। उस दुकान की बगल में आंखों के डॉक्टर की एक दुकान थी, जहां लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था, कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती है। रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था। उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया भी था। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका खींची और बाद में आईने के सामने चश्मा पहन कर और उतार कर देखती रही। उन्हें अच्छा लगा और मजा किया भी। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपियां लगाना पसंद करती है। उनके पास कई रंगों की
लेखिका ने अपने बचपन की ढेर सारी जो यादें हैं वह हम लोगों के साथ शेयर की। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ।